ये अंतरिक्ष भी न जाने कितने राज अपने अंदर समेटे हुए है। ऐसा ही एक राज है इस अंतरिक्ष की वो जगह जहां जाने के बाद कोई भी चीज वहां से कभी वापस नहीं आ सकती। कोई भी चीज चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, वहां जाने के बाद वो कभी नहीं निकल सकती। इस जगह का गुरुत्वाकर्षण इतना है कि वहां जाने के बाद रोशनी भी वहां से बाहर नहीं निकल सकती। इस जगह को कहते हैं ब्लैक होल। ऐसे ही एक ब्लैक होल की तस्वीर कई सालों की मेहनत के बाद 10 अप्रैल 2019 को साइंटिस्टों ने दुनिया के सामने रखी। ये ब्लैक होल हमसे 54 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, यानी 54 मिलियन प्रकाश वर्ष लगते हैं वहां से रोशनी को हमारी पृथ्वी तक आने में। ये ब्लैक होल मैसेयर 87 नाम की गैलेक्सी में स्थित है जो हमसे 54 प्रकाश वर्ष दूर है। ये ब्लैक होल कितना विशालकाय है आप इस बात का अंदाजा ये सोच के लगा सकते हैं कि इसका मास हमारे सूरज से 7 बिलियन गुना ज्यादा है। तो सोचिए इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमारे सूरज से कितनी ज्यादा होगी, और कोई भी चीज जो इसके अंदर एक बार जाएगी वो कभी लौट के नहीं आ सकती, चाहे वो रोशनी ही क्यों ना हो। इस ब्लैक होल की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का अंदाजा आप इस तस्वीर से लगा सकते हैं कि इस तस्वीर में जो 3 रंग आपको दिखाई दे रहे हैं वो 3 रंग दरअसल गैस के बादल हैं जो इस ब्लैक होल की चारों तरफ परिक्रमा कर रहे थे, लेकिन इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने उनको छिंद भिंद कर दिया है। वैसे तो किसी भी ब्लैक होल का फोटो लेना संभव नहीं है, क्योंकि फोटो लेने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़रूरी है वो है रोशनी का लौट कर आना। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस ब्लैक होल के अंदर या फिर किसी भी ब्लैक होल के अंदर कोई भी चीज़ जाती है तो कभी लौट के नहीं आती, चाहे उसकी रोशनी ही क्यों ना हो। तो इसलिए फोटो लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसका फोटो इस तरीके से लिया गया कि जब भी कोई खगोलीय वस्तु इस ब्लैक होल के अंदर जाती है तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है इसके होराइजन में, और इसके होराइजन से फिर जो रोशनी निकलती है उसकी फोटो लेना पॉसिबल है, क्योंकि उसमें रोशनी वापस आती है। मान लीजिए कि कोई ग्रह अंतरिक्ष में घूम रहा है, वो फ्री स्पेस में किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, जैसे कि आप इन एरो को देख सकते हैं जो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो इवेंट होराइजन या फिर जो ब्लैक होल है होराइजन के पास उसके पास पहुंचते हैं तो उनकी डायरेक्शन ब्लैक होल की तरफ मुड़ जाती है, और जैसे ही वो उसके पास जाते हैं तो वो सारी डायरेक्शन सिर्फ एक तरफ ब्लैक होल की तरफ हो जाती है। जिसका मतलब है कि कोई भी चीज़ जो ब्लैक होल के नज़दीक पहुंचेगी उसका सिर्फ एक ही रास्ता होगा, वो होगा ब्लैक होल के अंदर जाना, वो ब्लैक होल के बाहर कभी नहीं निकल सकती। ये ब्लैक होल निरंतर बड़े होते रहते हैं क्योंकि इनके रास्ते में आने वाली सारी चीज़ों को ये निगल जाते हैं और एक दूसरे ब्लैक होल के साथ भी विलीन होते रहते हैं और ये एक बड़ा ब्लैक होल बनते रहते हैं। यूं तो हर गैलेक्सी में एक ना एक ब्लैक होल होता ही है, लेकिन क्यों साइंटिस्टों ने 54 मिलियन लाइट ईयर दूर की गैलेक्सी का फोटो या उस पर रिसर्च की, लेकिन अपनी गैलेक्सी जिसमें सेजिटेरियस ए नाम का एक ब्लैक होल है उस पर रिसर्च क्यों नहीं की? इसका कारण है कि उस ब्लैक होल के आसपास और उसकी परिक्रमा लगाते कुछ तारे, जिसकी वजह से उसका सही अंदाज़ा और सही फोटो ना मिलना। अब बात करते हैं कि ये संभव कैसे हुआ कि 54 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर की एक गैलेक्सी के एक ब्लैक होल की तस्वीर ली जाए। इसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी वो एक ऐसे टेलीस्कोप की ज़रूरत थी जिसका डायमीटर पृथ्वी के डायमीटर जितना हो, जो कि अपने लिए असंभव था। इसके लिए साइंटिस्टों ने एक नई युक्ति सुझाई। साइंटिस्टों ने जो पृथ्वी के अलग अलग कोनों पर अलग अलग देशों में जो टेलीस्कोप हैं उन सबको एक साथ इस गैलेक्सी की तरफ पॉइंट करके वहां से जो तस्वीर निकाली उसको आज पूरी दुनिया देख पा रही है, और ये इंसान का ब्लैक होल की पहली तस्वीर बनकर सामने उभरी है। ये मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि सालों की मेहनत और रिसर्च के बाद इंसान ब्लैक होल की पहली तस्वीर ले पाया और उसे पता चल पाया कि दरअसल ब्लैक होल दिखता कैसा है। धुंधला ही सही, लेकिन दिखता कैसा है।